मैं अमृत लेक्चर मैकेनिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसठ मुजफ्फरनगर। आज वर्कशॉप से संबंधित हम स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में 11वां वीडियो शुरू करेंगे। इसमें हम स्पेशल कास्टिंग के बारे में जो देखते हैं वो ऐसी विधियां हम यूज करेंगे जो सस्ती हों, क्योंकि पहले की जो विधियां थी वो थोड़ा महंगी थी। इसमें कोस मोल्डिंग, कंटिन्यूस मोल्डिंग, डाई कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, स्लस कास्टिंग आदि के बारे में हम बात करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम स्पेशल मोल्डिंग एंड कास्टिंग प्रोसेस। On the previously discussed technique, seem more costlier because in those technique, mold is used only for single time. Although they are breaked after use, except all the previous technique, some other technique are more in use nowadays. But this does not fits all over, so they are termed as special processing. सबसे पहले हम सेल मोल्डिंग के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम देखते हैं कि एक कंटेनर होता है, कंटेनर के ऊपर हम अपना एक प्लेट पे पैटर्न को कस लेते हैं। उसके अंदर हम रेजिन्स और सैंड को भर लेते हैं। इसके द्वारा प्राप्त प्राय उच्च गुणवत्ता वाली ढलजे हमें प्राप्त करते हैं। प्रतिरूप को बोल्ट की सहायता से धातु प्लेट पर कस देते हैं, फिर प्रतिरूप को प्लेट सहित भट्टी में रखकर गर्म करते हैं, जिसका ताप 120 से 250 डिग्री तक रखते हैं। भट्टी से निकालने के पश्चात प्रतिरूप या पैटर्न पर एमल्सन का लेप कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर रेत के कण ना चिपकें। फिर एक बक्से में प्रतिरूप को क्लैंप कर दिया जाता है। इस बक्से में पहले से ही 5% फिनोलिक रेजिन का मिश्रण सैंड के साथ होता है। उस बक्से को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के पश्चात जब बालू गर्म प्रतिरूप पर पड़ती है तो वो जो रेजिन पदार्थ होता है वो बहने लगता है और बालू से मिलकर एक कोस का निर्माण कर देता है, जिसकी मोटाई लगभग 6 मिलीमीटर होती है। बक्से को सीधा करके प्रतिरूप को बक्से से हटाकर एक कोस निर्मित कर लिया जाता है और इसी प्रकार दो कोसों का निर्माण करके उनको क्लैंप कर देते हैं। क्लैंप के पश्चात उसे संचकन बक्स में रख के उसके ऊपर चारों तरफ रेत डालकर सांचों का निर्माण कर लेते हैं। इस विधि से लोहो और अलोहो यानी दोनों प्रकार के धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा छोटे वाल्व, पाइप, कैमशाफ्ट, ब्रैकेट, गियरबॉक्स, बियरिंग आदि का निर्माण हम कर सकते हैं। इन दिस कास्टिंग द मोल्डिंग प्रोसेस द हीटेड मेटल पैटर्न इज सेट ऑन द साइड ऑफ द डम्बॉक्स। डम्बॉक्स कंटेन्स मिक्सचर ऑफ सैंड एंड रेजिन। डम्बॉक्स इज मेड इन्वर्टेड टाइप। एज ए रिजल्ट दैट मिक्सचर फॉल्स ओवर द हीटेड पैटर्न विच इज कैपेबल टू मेल्ट द रेजिन थ्रू a layer of sand which is approximately about 8 to 10 mm thickness. After that, dump box is returned to its initial position. Excess material also falls back into the dump box by leaving the pattern with the shell. Ejector pins are used to remove the shell. Generally, shell is the half part of the mold cavity. Mold cavity is produced by joining two
हाल्फ ऑफ सेल्स जॉइंट टुगेदर. बोथ सेल्स शुड बी सपोर्टेड वेल बिफोर स्टार्टेड पोरिंग द मेटल. सेल इज ब्रोकन विद द मोल्टन मेटल सॉलिडिफाइड एंड कास्टिंग इज ऑल्सो रिमूव्ड. एडवांटेज क्लोजर अप टू 2 mm कैन बी अचीव्ड बाय डायमेंशन अप टू 10 mm इन द सेम ओल्ड हाफ. एक्यूरेसी विल बी ओपनली एलिमिनेट मैचिंग ऑपरेशन विद कॉस्ट सेविंग. जनरली इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल कॉस्टिंग बेटर एक्यूरेसी एंड स्मूदर सरफेस देन ऑफर टर्म सैंड कास्टिंग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में धातु को घूमते हुए सांचे में उसके अक्ष पर उड़ेलते हैं जो कि उपकेंद्रीपनों की वजह से सांचों में जमा हो जाती है. धातु में मिली गैसें आसानी से निकल जाती हैं. स्लैग या धातु भी हल्का बनता है. स्लैग को भी आसानी से अलग कर लिया जाता है. इस विधि में रनर राइजर तथा कोरो इत्यादि की जरूरत नहीं होती है. इस विधि का उपयोग खोखली बेलनाकार वस्तुओं की ढलाई या उनको सतह पर धातुओं की चादरें चढ़ाने में किया जाता है. As shown in the figure given below, a setup of done in to perform true centrifugal casting. Generally, it is used to produce hollow cylinder particles like pipes, gun barrel, lamp posts. In this process, molten metal is poured into a rotating mold. The molten metal is thrown towards periphery due to centrifugal forces applied on it. So it is called centrifugal casting. Generally, the axis of rotation remains in horizontal direction, although it may be in vertical position for producing short length workpiece. Mold used for this purpose is made up of steel, iron, graphite. To increase the life of molds or factory lining coating is done. After mold surface may be either of square or polygonal shaped, but their inner surface will remain in cylindrical in shape. Due to this, the molten metal is uniformly distributed. Use of centrifugal forces, lighter elements like impurities and pieces of the refractory lining will collect over the liner inner surface of the casting. Just because of differences in their densities, all of those can be easily removed by proper machining operation. A good quality closure, dimensional accuracy, external surfaces details can etc. Centrifuging. यह प्रक्रम उपकेंद्रीय ढलाई प्रक्रम के समान ही होता है. इस प्रक्रम में पिघली धातु ऊर्ध्वाधर अक्षों पर घूमते हुए केंद्रीय स्क्रू की मदद से सांचों में डाली जाती है. सांचे केंद्रीय स्क्रू से एक समान दूरी पर रहते हैं. पिघली धातु केंद्रीय स्क्रू से निकलकर रेडियल गेट्स से निकलकर सांचों में प्रवेश करती है, जो ठंडा होने के पश्चात सुदृढ़ हो जाती है. इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग. इन दिस प्रोसेस द मोल्ड कैविटीज ऑफ एनी शेप्स आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. फॉर दिस पर्पज मोल्टन मेटल इज प्योर्ड एट द
सेंटर एंड बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इट इज फोर्स्ड इनटू द मोल्ड इजली एज सेम एज इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कास्टिंग प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इस प्रक्रम में ऊर्ध्वाधर अक्ष पर घूमती है पिघली धातुओं को अक्ष पर उड़ेला जाता है जो अपकेंद्री बलों के कारण सांचों में पहुंच जाती है और धीरे धीरे ठंडी होने के पश्चात सुदृढ़ हो जाती है मशीन में एक वृत्ताकार मेज होती है जो अपने अक्ष पर ऊर्ध्वाधर चारों ओर घूमती है सांचों को फ्लाक सहित मेजों पर क्लैंप कर बैलेंस किया जाता है इस विधि द्वारा सॉलिड कास्टिंग का निर्माण किया जाता है जिन्हें मशीनिंग करने के पश्चात खोखला बनाया जा सकता है इसके द्वारा पुली गियर प्रोपेलर वाहनों के फ्लाईव्हील डिस्क निर्माण आदि किए जा सकते हैं इन दिस प्रोसेस मोल्ड रोटेट्स ओवर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मोल्टन मेटल इज देन प्योर्ड ओवर द एक्सिस बाय अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट कैन इजली रीच अप टू द मोल्ड्स इट सॉलिडिफाइड ऑन द स्लो कूलिंग मशीन यूज फॉर दिस पर्पज कंसिस्ट ए राउंड टेबल निच अराउंड द एक्सिस मोल्ड्स विद फ्लास्क आर क्लैंप्ड ओवर द टेबल फॉर प्रॉपर बैलेंसिंग जनरली इट इज यूज फॉर सॉलिड कास्टिंग दे विल ऑल्सो होलो आफ्टर मैचिंग ऑपरेशन इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग गियर प्रोपेलर पुलीज डिस्क व्हील्स ऑफ व्हीकल एटसेट्रा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मोम के पैटर्न बनाकर की जाती है इसमें लुप्त मोम ढलाई भी कहा जाता है मोम को ताप सह बालू में दबाकर मोल्ड का निर्माण किया जाता है इस विधि में पैटर्न को बाहर निकालने के लिए गर्म करके पिघला दिया जाता है फिर मोल्ड को उलटकर पिघले पदार्थ को बाहर निकाल लिया जाता है जिससे मोल्ड ठीक उसी आकृति की केविटी में स्वतः निर्माण हो जाता है एक बार प्रयुक्त किया गया पैटर्न दोबारा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है इट इज ऑल्सो नोन एज लूस्ट वैक्स कास्टिंग इट इज वन ऑफ द एंशियंट टेक्नोलॉजी विच वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 4000 BC इन दिस प्रोसेस ए लिक्विड वैक्स इज इंजेक्टेड इन द मेटल माउंट टू मेक ए पैटर्न फॉर दिस पर्पज ए मेंबर ऑफ पैटर्न आर अटैच्ड टुगेदर टू constructed a tree this tree is then dipped into refractory slurry material after that it is again recorded to increase its thickness term investment comes from investing the pattern with the refractory materials refractory slurry generally consists fine silica binders ethyl silicate and acids one piece pattern is dried in air and heated up to a temperature range in between 90 to 185 degrees centigrade for a time period of 4 hours time depends upon the metal to be cast to drive
of the water of crystallization. This wax pattern melts out, creating the mold cavity for pouring molten metal in it. After that, metal will be solidified and then the mold is broken up and casting is removed off. This process is more suitable to produce high melting point, allow casting with good surface finish and closer dimensional tolerances. It is used for following purpose: jewelry, dentist, gear production, cams, valves, etc. It produces better surface finish and gives closer dimensional tolerance also. Both external and internal shape can be produced easily. Metal which are difficult to cast by any other method can also be easily casted by this process. Reaction will be elimination of machining operation, which results a reduction in cost. It can also reproduce fine details accurately. Die casting. अगर हमको मास प्रोडक्शन करना हो तो वहाँ पर हम स्थायी डाइयों का प्रयोग सांचों के रूप में करते हैं। इसके दोनों भागों को मिलाने के लिए ये दो प्रकार की होती है, हॉट चैम्बर मशीन और कोल्ड चैम्बर मशीन। इन इट मे बी क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज टू एज फॉलोज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल एंड सिंपलेस्ट मेथड अमंग ऑल द डाई कास्टिंग मेथड्स। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एज द मेल्टन मेटल इज पोर्ड इन टू द डाई। इट शुड बी ensured that the cavity is completely filled in the same manner as in case of sand casting. Die contain cavity and cores. To produce the required shape of casting, runners, gates, riser and vents are also provided as same as in sand casting. The furnaces are used to melt the metal and then transferred by the ladle. Metal methods are generally used, which makes it simpler and cheaper also. It gives greater accuracy as compared to sand casting process. Die are produced by close grained cast iron and cores are usually made by heat resisting steel as they remain in contact with the molten metal. High pressure casting, generally two type of machine like hot chamber and cold chamber, also used to fulfill the desired work. Hot chamber, इन मशीनों में धातु को धातु मशीन के भीतर ही पिघलती है। वहां पर एक इस प्रकार का पात्र लगा रहता है जो धातु को वहीं पर पिघलाता है, जो भट्टी कहलाता है। ईंधन के दहन को लगातार ईंधन का दहन लगातार चलता रहता है।
इस युक्ति में एक प्लंजर की मदद से पिघली धातु को उच्च दाब पर डाई में प्रवेशित कराया जाता है। इस प्रकार की मशीनों द्वारा शीशे, जस्ते, टिन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि की ड्राई आसानी से की जा सकती है। हॉट चैम्बर मशीन कंसिस्ट ए गैस बर्नर विच इज कैप्ट अंडर द क्रूसिबल विच कंटेन मेटल मेटल। इट इज प्लेस्ड विद एन द मशीन एज शोन इन द फिगर गिवन। इन दिस प्रोसेस ए पार्ट ऑफ डाई इज अटैच्ड टू द मूविंग मशीन प्लेटन विच इज जनरली पुश्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाई द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक सिलेंडर विच रिमेन्स लॉक्ड अगेंस्ट द अदर पार्ट ऑफ द डाई जनरली अटैच्ड टू द फिक्स मशीन प्लेटन। When the die are completely locked, it makes the safety system allow the plunger to depressed, as a result of which it covers up the filling pot and so melted metal escape back into the crucible. The molten metal is then forced through the gooseneck into स्प्रू बुश विच फिल्स द डाई कैविटी इजिली। सम स्मॉल केमिकल्स ऑफ वेंस आर ऑल्सो प्रोविजन विच एनेबल्स इन टू स्केप नोन द वन डाइज। दीज डाइज प्रोवाइड्स अक्रॉस द डाई फेसेस। ए फर्नेस इज अटैच टू द मशीन विच कंसिस्ट ए सूटेबल मेटल फीड सिस्टम ऑफ इन फॉर्म ऑफ गूजनेक एट द इंजेक्शन प्लंजर डाइज विच रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ इंजेक्शन सिलेंडर टू अलाउ मोल्टन मेटल टू फिल दिस सिलेंडर। मोल्टन मेटल इज देन solidified in the dye due to the lower temperature of the dye. Dye is mentioned at correct temperature by circulation of cold water through it. As the plunger reaches to upward position, the moving machine platen and the dye half attached to the it will return from it. As the moving machine platen continues to open, striker pins bearing on the striker plate will striker an ejector block and the machine which pushes the ejector pins into forward direction to releasing the castings. These are most suitable to use with zincalers. The metal temperature in the crucible range in between 315 to 425 degrees centigrade. The dye temperature generally remains at lower temperature about 185 degrees centigrade to 260 degrees centigrade. Thinner section of 1 millimeter or even 0.5 millimeter can be easily cast by this technique. Disadvantage: the cost of dye which are made up to high resisting steel is high, which seems uneconomical for small number of components. Cold die casting. इन मशीनों में धातु का अंदर मोल्टिंग मशीन न होकर बाहर भट्टी में धातु को पिघलाया जाता है और फिर लेडल की सहायता से मशीन में उड़ेला जाता है, जिसे प्लंजर उच्च दाब डालकर डाई के भीतर प्रवेशित कराता है। ठंडा होने के पश्चात कास्टिंग को निकाल लेते हैं। यह मशीन एल्यूमिनियम पदार्थों की ढलाई के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। Cold chamber die casting machine is shown in the
फिगर गिवन बिलो अनलाइक इन द हॉट चैम्बर टाइप मशीन द मेटल इज मेल्टेड एंड कलेक्टेड इन ए फर्नेस अवे फ्रॉम द मशीन इन दिस प्रोसेस वन डाई हाफ इज अटैच विद द फिक्स मशीन प्लेटन एंड अदर वन इज अटैच टू द मूविंग मशीन प्लेटन दिस टाइप ऑफ मशीन आर मोर कॉमनली यूज फॉर हायर मेल्टिंग पॉइंट विच आर पोर्ड एट ए टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली अबाउट 650 डिग्री सेंटीग्रेड टू 670 डिग्री सेंटीग्रेड लाइकली द मैग्नीशियम अलॉयज आर पोर्ड एट द टेम्परेचर ऑफ 680 डिग्री सेंटीग्रेड ए मेजर क्वांटिटी ऑफ molten metal is fed into the injection cylinder as the dies remain locked. This operation may be either automatic or manual. Manual process is most widely used in which ladders of an appropriate to the short size required for the casting. As the plunger moves in forward direction with the help of hydraulic cylinder which force the molten metal in the die cavity where it quickly solidifies the dies are opened in the casting is released due to ejector mechanism in the same way as in case of hot chamber CO2 chamber actual mein CO2 chamber wala casting sand casting jaisa hi hota hai जिसको हम CO2 की मदद से थोड़ा हार्ड कर लेते हैं इट इज सिमिलर टू सैंड कास्टिंग प्रोसेस दैट इम्प्लॉयज इज मोल्डिंग मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लिक्विड सिलिकेट बाइंडर मोल्डिंग मिक्सचर इज हार्डेंड बाय ब्लोइंग ऑफ CO2 गैस दिस मेथड सीम्स मोर बेनिफिशियल As compared to other ones, it reduces production time as well as fuel cost and reduces the number of mold boxes required in making of molds. This process is more accurate and provides better dimensional accuracy to production. Its main feature is that it produces more accuracy molding system. Incorporating the carbon dioxide gas as a catalyst. It provides better surface finish, suitable for high production, provides a variety in production. The cost of equipment is too low. Existing pattern making equipment can be used. Fuel cost is also reduced due to elimination of core drying event. etc. A reduction in the number of molds boxes are required for producing molds. Ore and molds are gaseous or hardened. As a result, it can also reduce the labor cost. It is generally used for casting application which provide speed and flexibility paramount. Slush casting इसके अंदर पिघली धातुओं को एक स्थायी मेटल सांचे में भर देते हैं उसकी सतह के जमने के पश्चात शेष पिघली धातु का सांचा उल्टा कर निकाल लेते हैं इस विधि द्वारा कम ताप पर पिघलने वाली मिश्रित धातुओं को खोखली ढलाइयों के निर्माण के बिना किया भी किया जा सकता है इसके द्वारा प्रायः पतली दीवार वाली ढलाई का निर्माण किया जाता है दीवारों की मोटाई दो घटकों एक द्रुत शीतलन समय में दूसरी पर भार पर निर्भर करती है इन दिस प्रोसेस मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू ए मेटल मोल्ड एज इट्स अपर सरफेस सॉलिडिफाइड The mold is turned off as a result
एक्सेस मोल्टन मेटल कम्स आउट फ्रॉम द सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग होलोकास्टल कास्टिंग ऑफ मिक्स्ड मेटल विदाउट यूजिंग एनी कोर इट इज मोर प्रिफरेबल फॉर थिन वॉल कास्टिंग थिकनेस ऑफ द वॉल डिपेंड्स अपॉन द टू बेसिक फैक्टर लाइक देयर कॉन्ट्रक्शन एंड चिल्स कंटिन्यूस कास्टिंग यह एक लगातार चलने वाला ढलाई प्रक्रम है इस विधि में कुछ प्रक्रियाएं ऊपर से नीचे कुछ लंबवत दिशा में यानी क्षैतिज दिशाओं में होती हैं यह मोल्ड दोनों तरफ से खुला हुआ होता है निकलने वाली वस्तु मोल्ड की आकृति के अनुरूप एक सुनिश्चित अनुप्रस्थ काट वाली होती है यह ऊपर से कठोर एवं अंदर से द्रवित अवस्था में होती है इस वस्तु पर जल डालकर ठंडा किया जाता है यह पूर्ण रूप से ठंडी नहीं हो पाती है इस वस्तु को सतह पर स्थित विभिन्न मशीनिंग क्रियाओं से गुजरने के पश्चात आकार एवं आकृति प्राप्त होती है इस विधि का उपयोग स्टील चकोर पाइप ट्यूब अथवा प्लेटों के निर्माण में किया जाता है इन दिस प्रोसेस सम रिएक्शंस टेक्स प्लेस अलोंग द लॉन्गिट्यूड एक्सिस और फ्रॉम अपवर्ड्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड एंड रिमेनिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मोल्टन मेटल इज पोर्ड इन वर्टिकल पोजिशन ऑफ कॉपर मोल्ड दिस मोल्ड ओपन्स इन बोथ साइड्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच द मेटल विच एग्जिस्ट फ्रॉम इट इज ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज इट्स अपर सरफेस लुक्ड हार्ड एंड बट इनर सरफेस रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट आफ्टर दैट ए वाटर जेट इज स्ट्राइक ओवर इट टू सॉलिडिफाइड इट देन आफ्टर मशीनिंग ऑपरेशन आर डन ओवर इट्स सरफेस टू गिव ए डिजायर शेप एंड सरफेस फिनिश प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज टू लो इट इज सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग सर्कुलर स्क्वायर प्लेट ऑफ स्टील्स फुल मोल्ड कास्टिंग इस प्रोसेस में फोम प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है जिससे रनर राइजर आदि बनाए जाते हैं इन प्रतिरूपों का निर्माण फोम प्लास्टिक पर मशीनिंग आदि प्रक्रियाएं करके बनाया जाता है इन प्रतिरूपों को सिरेमिक पदार्थ में डालकर निकाल लेते हैं उसके पश्चात इनको मोल्डिंग बॉक्स में रखकर उसके चारों तरफ मोल्डिंग सैंड भरती जाती है तत्पश्चात मोल्टन मेटल को प्रतिरूपों के ऊपर उड़ेला जाता है जिससे पॉलिस्ट्रीन वाष्प के रूप में प्रतिरूप बालू के अंदर से निकल जाते हैं और तत्पश्चात वहां पर कास्टिंग हो जाती है इसकी फिनिशिंग अच्छी होती है परंतु इसमें एक बार प्रयोग के बाद दोबारा उस प्रारूप को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट या व्यय बहुत ज़्यादा होता है
ए फॉर्म प्लास्टिक यूज टू प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ मोल्ड राइजर रनर एंड गेट्स आर ऑल्सो प्रोवाइड इन दैम मोल्ड्स आर प्रोड्यूस आफ्टर मशीनिंग ओवर द फॉर्म प्लास्टिक्स देन आफ्टर दीज आर डिप्ड इन सेरेमिक मेटेरियल्स दीज मोल्ड्स आर केप्ट इन मोल्डिंग बॉक्स और फ्लास्क विच इज सराउंडिंग बाई सैंड फॉर्म सेंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस मोल्डन मेटल इज डायरेक्टली पोर्ड इन टू द पैटर्न एज रिजल्ट ऑफ विच पॉलिस्टीन रिमूव आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर पार्टिकल्स आफ्टर सोलिफाइड इट इज टेकन आउट फ्रॉम द पैटर्न ईच एंड एवरी शेप्ड कास्टिंग कैन बी प्रोड्यूस इजली बाई द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस casting product produced by the process is of higher accuracy with better surface finish but it cannot be reused so it seems more costlier plaster mold casting इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचों का निर्माण किया जाता है। इस जिप्सम में जल मिलाकर एक पतली लेई बना लेते हैं जो मोम या ग्रीस लगे प्रतिरूपों में उड़ेलते हैं। जमने के पश्चात प्रतिरूप को अलग कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा सांचे के दोनों भागों को तैयार कर उनको असेंबल कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा पीतल मैग्नीशियम या उसकी मिश्र धातुओं जैसे शीशा ब्रॉन्ज एल्यूमिनियम टिन की मिश्र धातुओं के कास्टिंग्स किए जाते हैं। A typical arrangement for plaster mold casting is shown in the figure in this process POP. Plaster of Paris is used to produce molds. As all we know, gypsum is the main constituent of plaster of Paris and adding of water, it becomes solid after some time. The first step is to prepare a paste of gypsum and then this paste is poured into the pattern which are previously coated with wax, oil, grease, etc. Type separating material after solidifying buttons are taken off. Both the parts of mold are prepared separately and then joined together to make an assembly. Molten metal is poured into the mold to get desired shape. Generally, it is used to cast aluminium, brass, copper, tin, etc. and their alloys. It is quite costlier process. It is not suitable for iron casting also, not for large size and high temperature casting. Machination of foundries. ढलाई शाला के यंत्रीकरण का अर्थ ढलाई परिक्रमों को यंत्रों की सहायता से कम समय में पूर्ण कर उत्पादन दर बढ़ाने में किया जाता है। पूर्व में ढलाई में बालू, कोयला, राख आदि का प्रयोग किया जाता था जो श्रमिकों के लिए हानिकारक होते थे। यंत्रीकरण के कारण उनकी दशाओं को मॉडर्नाइजेशन के कारण उपकरणों का
धूल और धुएं पर नियंत्रण हो गया है, जो मशीनों या रोजगार करने वालों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इसके कारण श्रमिकों की दक्षता बढ़ जाती है। मशीनेशन इज कास्टिंग मीन्स टू इम्प्रूव प्रोडक्शन रेट बाय द प्रॉपर यूज ऑफ मशीन्स। प्रीवियसली सैंड, कोल, फ्यूम, एस पार्टिकल्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब इन द कास्टिंग विच सीम्स हार्मफुल टू द वर्कर। मैकेनेशन टेक्स प्लेस ऑल ओवर नाउ ए डेज लाइक मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्किंग कंडीशन, मटेरियल हैंडलिंग। मशीनेशन इज ऑफ इक्विपमेंट, डस्ट एंड फ्यूम कंट्रोल एटसेट्रा। इन स्पाइट ऑल ऑफ दीज मशीनेशन हैव सम लिमिटेशंस आल्सो, एज यूज ऑफ मशीन्स आल्सो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इट अफेक्ट्स द वर्कर एबिलिटी आल्सो, ऑल्दो इट इज नॉट सूटेबल फॉर लो प्रोडक्शन। थैंक यू।